ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਮੇਰੀ ਲੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਆ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਦੇੜਿਆ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਪੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਨੀ ਅਜਾ ਕੋਨੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਸਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ उस पर अमल करवाया जाए। तो मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जितने बच्चों ने तैयारी की है या अस्सलाम वालेकुम माड़े पैणा माड़े परामी तो सारे ठीक ठाक सो खुश बाश हो जिते भी हो अपनी जिंदगी ऐसे तरीके गुजारने उस लाखों करोड़ दरूद हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने आल पर ते सब तो पहले सारे भैन भ्रा बहुत बहुत शुक्रिया सर क्योंकि टाइम कड़ी सारी वीडियो तक नहीं अज असं मौजूद हाँ जी दवा माडल स्कूल इतने बच्चों का रिजल्ट है वो भैन भ्रा की व्यू करा सर तेजी सकनी हो दवा माडल स्कूल है बोर्ड लगा बाहर ते अज सी दवा माडल स्कूल ना व्यू करा सर और रिजल्ट ना दिहाड़ा आ बच्चों तो वह भैन भ्रा की व्यू करा सर हूँ जुलने तो भैन भ्रा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो ठीक है क्या नाम तुसा ना अली ते आज दुआ माडल स्कूल है विच रिजल्ट ना देड़ा जी तुसा पन्ने इथे कोनी अया कोनी इथे ही आसा अच्छा इथे ही आसो वैसे कड़े स्कूल पन्ने हो खालमाबाद गवर्नमेंट बॉयज स्कूल अच्छा खालमाबाद गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है ठीक है ते आज जड़ा फंक्शन किने में स्टार्ट हो सी 9:30 बजे ठीक होई क्या ते चलो अत की सकनी हो जी ते दवा माडल स्कूल रिजल्ट ना देना जी ए बच्चों ने इनाम रखे हुए जी ट्रॉफिया बस थोड़ी देर ही है ते फंक्शन जो स्टार्ट हो जाए प्रिंसिपल टीचर्स एंड स्कूल फेलोज मौजूद मेहमान ग्रामीण वालदैन का अपना एहतराम असाज़ा एहतराम और मेरा मकतब साथियों मोहतरम प्रिंसिपल साहेब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी तरफ से और अपने इदारा हिजाज दुआ माडल स्कूल के प्रिंसिपल साहेब इदारा हिजाज की इजलाना तकरीर नताजा तकसीम इनामात 2023-24 में तशरीफ लाने पर दिल की कथागराइयों से खुशामदीद करती हूँ जी आया नू वेलकम करती हूँ। सांसों की तकरार में अल्लाह सांसों की तकरार में अल्लाह रूह की नाजुक तार में अल्लाह फूलों अबू अलहब के दोनों हाथ टूट जाए और तबाह हो जाए क्योंकि इसने हमारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ उठाने की कोशिश की। इसके माल में कुछ फायदा नहीं पहुंचाया और इसके कमाई में कुछ फायदा नहीं पहुंचाया। अनकरीब वो शोर वाला आग में जा पड़ेगा और उसकी औरत भी जो कांटेदार हो। लिख दे अपना ना मौला या मौला मेरे दिल पे लिख दे अपना ना मौला मेरे ते भी
जाने नबी पाक दी नाल साडी पहचाने ना फतवे तू साजिद ने लाए ने मिला ना फतवे तू साजिद ने लाए ने मिला खुदाई ने की है खुदा ना खवाए वरफान लकद जिक्रा अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है ए महबूब जहां मेरा जिक्र किया देगा वहीं आपका जिक्र भी किया देगा कलमे में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र अजान में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र नमाज में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र नमाज जनाजा कब्र और हश्र में पहले मेरा जिक्र फिर तेरा जिक्र अब मैं नाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत देती हूँ अपनी बहन फाइजा मदर और आयशा को कि वो आए और नाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे वेलकम किया जी और बहुत ही प्यारा डांस करनिया निकलिया दुआ मॉडल स्कूल जो अज रिजल्ट ना दिन है अज ना मिलाद दुआ मॉडल स्कूल हवाले और सालाना तकरीबात है अज बड़ा प्यारा डांस कर लिया वा और इन्हें
रिजल्ट दिहाड़ा जी, सालाना रिजल्ट 2024 दवा मॉडल स्कूल। तो बच्चियां डांस करनिया वा जी, कोई थोड़े जे फंक्शन होए वो भी भैन भ्रा की व्यू करा सौ। दरिया से होकर गुजरे रास्ता आजादी का, सदियां कतल हुई तो देखा एक चेहरा आजादी का। मुआज़्ज़ज़ सदर तकरीब नमानाले ग्रामीण साथ मोहतरम प्रिंसिपल साहब और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौके पर लब खुशे करने का मौका दिया गया है, वो दरअसल मुझसे, आपसे और पूरी उम्मत मुसलमान से ये सवाल किया गया है कि क्या हम आज आजाद हैं। जनाबे वाला, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी नगाहों के सामने हक की बात करने वाले सहाफियों की लाशें, पेशावर में शहीद होने वाले बच्चों की लाशें, ज्यादती का निशाना बनने वाले माओ और बहनों की लाशें नजर आए। औरों का प्याम हो रहा, मेरा प्याम हो रहा, औरों का प्याम हो रहा, मेरा प्याम हो रहा। मैं निकाह शुरू करने से इनको एक अच्छी बात कहना हूँ, दुनिया एक चलो चली का मुकाम है। अच्छा जी, दुनिया एक चलो चली का मुकाम है। आज एक पढ़ा गया, कल सारे पढ़े जान गए। वही की कहना मैं बोल भी तेरे बोलने की तमीज नहीं है। मौली साहब शादी है, जनाजा नहीं है, शादी दिया बना करो। अच्छा शादी है तो नहीं है। वही की कहना मैं चौकड़ा तेरे वेख रहा। मौलवी साहब मैं किसे लेना नहीं है, मैं उन्हें तो लेना नहीं है, उन्होंने देना है। तुसा निकाह पढ़ाओ, तुसा इन समझो जिवें थोड़े अपने बच्चियां दी शादी है। देखी देखी ओए ओकी नु पकड़ यार। ओ पट्टी है किथों मौलवी आंदे यार, निकाह ही नहीं पढ़ांदा पिया। निकाह शुरू करो। चलो करते हैं शुरू। चुमने वाला मरने वाला की लगते मौलवी साहब, निकाह शुरू करो।
ਓਏ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੁਰਕ ਪਰੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਓਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ लेते हैं। अरे मेरा मतलब तुम सब कहाँ रहते हो? हम सब एक साथ लेते हैं। तुम लोगों का घर किधर है? हम लड्डू का घर पड़ोसी है। अब तुम लोगों के पड़ोसी का घर किधर है? पड़ोसी का घर मेरे घर के सामने है। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम रहती कहाँ, पूरी डिटेल ही पूछी थी। अच्छा बैठ जाओ। चलिए नाना तुम अजरा पढ़ाया जा रहा था, वो भी जारी है, लेकिन रिजल्ट के बाद बकायदा तौर पर इंशाअल्लाह सेकंड टाइम जो भी खवातीन, चाहे छोटी बच्ची है, चाहे जितने भी उम्र की बच्ची है या खवातीन है, वो उनको सहूलत होगी कि वो फी सबीलिल्लाह अदारे हजम में आकर जो अपने अंदर जो कमजोरियां हैं, तजवीद की, क़िराअत की और बेशुमार मसाइल हैं, कि अगर एक है या छोटे बच्चे हैं तो इस अदारा के अंदर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, उनको सेकंड टाइम इदारा की तरफ से जो आलमा की सहूलत है वो मुहैया की जाएगी इंशाअल्लाह। तो आप सब इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं और दुनिया के साथ अपनी जो दीनी जिंदगी है उसको भी बेहतर बनाएं। तो इसके अलावा तमाम अदारे हाजा के जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, उसने इस प्रोग्राम को सजाने में और तुलबा तलबात ने या पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा साथ दिया, उन सबका मैं दिल के अथाह ग्रहियों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसके साथ ये मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि जैसा कि हमेशा इस अदारा आज़ा की रवायत रही है कि चीफ गेस्ट वालदेन ही होते हैं, और बच्चों को भी यही बताया जाता है कि आपको जो भी आपने पोजीशन हासिल की है या रिजल्ट कार्ड है, नतीजा है, वो आपके पेरेंट्स को ही दिया जाएगा। जी, तीसरी क्लास का रिजल्ट अनाउंस करना चाहूंगा। तो नर्सरी क्लास में जो थर्ड पोजीशन हासिल की है वो है अली हमजा। तो भरपूर क्लैपिंग में आपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी है, तो बार बार मुझे बताना। मोहम्मद शेराज, फर्स्ट पोजीशन है मोहम्मद शामीर,
क्लास के अंदर थर्ड पोजीशन है इकरा दी। फर्स्ट पोजीशन है इरफान मोर। तो दो बच्चों ने हासिल की है, तो दूसरी जो बच्ची है फर्स्ट पोजीशन उसका नाम है शानजे ईमान। तो रिजल्ट अनाउंस हो गया ते ट्रॉफियां जरा ना तकसीम होई नी हां हरियाण सारे ले रे बच्चों की बच्चियों ने उस लव जाई होई दी है। नंबर हासिल की है उसका नाम है इमरा तौकीर नासर बतौर क्रैशिंग जी। टू क्लास के अंदर जिनके नाम ये हैं मुस्तफ़ा नवीद 98%, हुस्ना शहजाद 98%, फर्स्ट पोजीशन टू क्लास के अंदर। और इस बच्चे ने भी 99% नंबर हासिल किए हैं 500 में से 500 में से 497 मार्क्स लिए हैं 497 नंबर लिए हैं 500 में से। इसके बाद जमात दो में टू क्लास के अंदर अच्छी वीडियो से हैंड करने की उम्मीद करने आज की वीडियो पर आपकी पसंद है इंशाल्लाह एक नया व्लॉग की नई जगह नीत हाजिर हो सत अपने प्रो की दियो इजाजत ओके खुदा हाफिज़।